नंबर इन एन आइसोसेलस ट्रायंगल एबीसी, यहाँ पे एक आइसोसेलस ट्रायंगल एबीसी ले लेते हैं, ठीक है। क्या कह रहा है एबीसी में, यहाँ पे कह रहा है कि इफ ए बी इक्वल टू ए सी इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, ए बी 13, ए भी 13 सेंटीमीटर, और ए से जो एल्टीट्यूड खींचा जा रहा है बी सी पर वह आपका 5 सेंटीमीटर है। क्या है? 5 सेंटीमीटर एल्टीट्यूड, यहाँ पे ए डी जो है ये 5 सेंटीमीटर दिया है। तो फाइंड द बी सी, बी सी का हमें यहाँ पे लेंथ निकालना है, ठीक है। चलिए तो चलिए हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, गिवन क्या है, गिवन में है कि इन एन आइसोसेलस आइसोस्केलस ट्रायंगल ए बी सी ए बी इक्वल टू में ए सी इक्वल टू में 13 सेंटीमीटर एंड एल्टीट्यूड ए डी जो है यहाँ पर 5 सेंटीमीटर है। दिया हुआ है कि ए डी परपेंडिकुलर है बी सी पे। टू फाइंड बी सी, हमें यहाँ पे बी सी फाइंड करना है। चलिए यहाँ पे देखिए इसका सॉल्यूशन, ठीक है। यहाँ पे लेट सपोज कर लेते हैं कि बी सी जो है ना 2x है। अच्छा, यहाँ पर ए डी परपेंडिकुलर है बी सी पर एंड ए बी सी, ट्रेंगल ए बी सी इज एन आइसोस्केलस, देन बी डी इक्वल टू में सी डी इक्वल टू में हाफ ऑफ बी सी हो जाएगा, यानी बी डी इक्वल टू में सी डी इक्वल टू में हाफ ऑफ 2x कर देते हैं, 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पे बी डी इक्वल टू सी डी इक्वल टू में x हो जाएगा, ये भी x, ये भी x, और बी सी टोटल क्या है 2x है। चलिए तो अब चलते हैं इन ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी में अगर हम लोग बी डी स्क्वायर की बात करें तो ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर और माइनस में ए डी स्क्वायर, पाइथागोरस से, पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे तो बी डी स्क्वायर इक्वल टू में ए बी स्क्वायर, यानी कि 13 का स्क्वायर माइनस में 5 का स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे आगे देखिए क्या हो जाएगा, बी डी स्क्वायर इक्वल टू में 169 माइनस का 25, बी डी स्क्वायर इक्वल टू में 144, यानी कि यहाँ से बी डी इक्वल टू में आ जाएगा रूट अंडर 144, यानी कि 12 सेंटीमीटर। तो हमें निकालना है क्या चीज़, हमें बी सी निकालना है। तो बी सी तो आपका 2x था ना जी, यानी कि 2 × x का वैल्यू 12 सेंटीमीटर, यानी 24 सेंटीमीटर इसका लेंथ आ जाएगा। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 13।